आउटडोर स्टेडियम में सरगम में फुटबॉल चैंपियनशिप चल रहा है, चैंपियनशिप का ये फाइनल मैच है। आप देख सकते हैं जो नजारा है यहाँ का, लगभग हजारों की संख्या में दर्शक हैं, फुटबॉल प्रेमी यहाँ फुटबॉल का मजा ले रहे हैं। और ये जो मैच आप जो सामने जो खिलाड़ियों को देख रहे हैं, ये दुमका मुर्मू ब्रदर्स की टीम है और माँ कोचिंग सेंटर उड़ीसा की टीम है। इस मैच के बीच में भी 1932 खतियान की जो मांग का जो आग झारखंड में लगा है, वो मैच के बीच में भी जो दर्शक हैं वो अपने साथ 1932 खतियान की पट्टी लेकर के आए हैं और यहाँ से भी ये अपनी मांग सरकार तक रखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। हमारे साथ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, आप लोग मैच देखने आए हैं, क्या उद्देश्य आप लोगों का? देखिए, इसमें हम लोग इस मैच देखने आया हुए हैं और साथ साथ हम लोग 1932 खतियान लेकर के हम लोग मांगे को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि यहाँ देखिए हजारों संख्या में दर्शक आए हुए हैं, ताकि समझे कि हर जगह पर 1932 की खतियान विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार से जल्द 1932 की खतियान को लागू कर दे। और हम लोग का भी मांग है और हम लोग का जो रणनीति है, हम लोग का आगे ही जो रणनीति हम लोग बनाए हैं, वो हम लोग अगले स्टेप है। अगला स्टेप कल 7 तारीख है, उसमें जो ग्राम प्रधान के जो मंजी होते हैं वो अपने मंजी काल में 1932 लेकर 1 लोटा पानी मंजी काल में चुनौर करें, ताकि समझे कि राज्य सरकार को यह समझे कि हर ग्राम प्रधान अपने विरोध प्रदर्शन पर लगे हुए हैं, इसीलिए वो जल्द से जल्द 2022 आप लोग राज्य हाईकोर्ट के ओर चाहते हैं कि जल्द से जल्द 1932 का खतियान लागू। झारखंड हुआ उसी दिन से ये 1932 का खतियान मांग की जा रही है, झारखंड की मांग की जा रही है। इससे पहले तो मैं बता दूं 1872 से ही जो खतियानी का मांग किया जा रहा है। इसके बाद जो सर्वे हुआ था 1922 में, खेत और जंगलों का सर्वे हुआ, पूरी तरह सर्वे हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाया, उसको संशोधित किया गया 1932 में पूर्ण रूपे। 1932 जो संशोधित हुआ उसमें जो है कि जल जंगल जमीन जितना है आदिवासियों का हक, उसी के लिए हम लोग अभी लड़ रहे हैं ताकि आदिवासियों का हनन ना हो, शोषण ना हो। और जब तक हम लोग को 1932 का खतियान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और हमेशा सरकार से हम मांगे। फुटबॉल मैच का जो आयोजन हुआ है, इसको आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन का एक दर्जा बनाए क्यों? देखिए, फुटबॉल ये जो प्रतियोगिता अभी हो रही है सरजम बेड़ा में, ये होने का खास मकसद और आंदोलन का खास मकसद है, यहाँ बहुत भीड़ का जमावड़ा होता है, लगभग 30 से 40 लाख के बीच होती है। कई दर्शक जो है कि 1932 को नहीं पहचान पा रहे और हम ही लोग पढ़े लिखे जो छात्र हैं अभी हम लोग प्रदर्शन कर सके कि 1932 क्या है और जागरूक कर सके लोगों को 1932 के बारे में, बता सके विरोध प्रदर्शन किस तरह हो रहा है, कोई हर जिला में रैली हो रही है, सरकार से मांग उठा रही है खतियानी रैयत को लेकर। इसलिए हम लोग यहाँ फुटबॉल मैदान में आए हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं अपना बैनर लेके पोस्टर लेके। अपने आपको हम बता दें सरजम लाखों की संख्या में लोग यहाँ फुटबॉल का आनंद लेने आते हैं। 3 दिन के जो एक आयोजन लोग इस आयोजन से अपनी आवाज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, ये मकसद है इनका। 1932 खतियान का बेहतर आपको बराबरी पर लाने के लिए दर्शक जगह बैठ करके मैच देख रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। देखना यह है इनकी आवाज सरकार तक कब तक पहुंचती है। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।